अलसना चिकन हलीम गुज़िश्ता 13 सालों से फरोख्त की जा रही है। हलीम की तैयारी में विटामिन से भरपूर मغذیات का इस्तेमाल किया जाता है। ये हलीम 3 मुकामात में दस्तियाब रहेगी, जिसमें नज़्द ग्रैंडमा बेकर्स जहरा नगर चौराहा बंजारा हिल्स रोड नंबर 10, लेक व्यू बंजारा फंक्शन हॉल रोड नंबर 11, वेंकटा रामन्ना कॉलोनी चौराहा खैरताबाद शामिल है। शाम 5 बजे से माह रमजान की चांद रात से 6 शव्वाल तक हलीम फरोख्त की जाएगी। ऑर्डर देने पर इफ्तार पार्टी के लिए हलीम सरबरा की जाएगी। मजीद तफसीलात के लिए मोहम्मद गौस के फोन नंबर 9912355077 या फिर 8374443443 पर रब्त कायम किया जा सकता है। आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबर। मदरसा दारुल उलूम नूर मुनव्वर 7 अमराई शमशाबाद का 8वां सालाना जलसा और तकसीम इस्नादात का इनेखाद अमल में आया। जनाब फयाज अली नाजिम मदरसे की सदारत में जलसा मुनक्किद किया गया। मौलाना सैयद मोहम्मद अली हाशमी अंसारी अलमारूफ शमशाद पाशा ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत फरमाई। जलसे का आगाज़ मोहम्मद परवेज की खिरात पाक से हुआ। मोहम्मद दाना अली नात शरीफ पढ़ने की सादत हासिल की। मौलाना सैयद यूनुस इमाम मस्जिद ने कुरान करीम की हिफाजत के उनवान पर रोशनी डाली। मौलाना शमशाद पाशा ने अपने खिताब में हिफाज़ कुरान शरीफ की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली और इस मौके पर हिफाज़ की दस्तारबंदी की। मौलाना ने दुआ का अहतमाम करते हुए जलसे का अख्तिताम अमल में लाया। एजाज अली ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सैयद नईमुद्दीन सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी जिद्दा की जानिब से चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन TS मोहम्मद इम्तियाज इसाक की तहनियती तकरीब इसरार होटल जिद्दा सऊदी अरबिया में मुनाकिद की गई। इस मौके पर मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल सलाम सदर एकेडमी, मोहम्मद अब्दुल खदीर सिद्दीकी सऊदी ताजर, मोहम्मद असलम अफगानी दिगर ने शिरकत फरमाई। जो स्कीम बना के जो है हुकूमत को हमने भेजा, तो हुकूमत ने आपको दिया कि फर्स्ट फाइव